सीधे अरविंद केजरीवाल के घर आपको लिए चलते हैं, वहां से मेरे सहयोगी दीपक दुबे मौजूद हैं। दीपक, हमने ऑफिस, आम आदमी पार्टी ऑफिस की तस्वीर तो देख ली, वहां पर तैयारियां जश्न की हो चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पर क्या माहौल है काउंटिंग से पहले, कैसी तैयारियां? जी, आपको बता दें कि आज का दिन मुख्य केंद्र रहने वाला है अरविंद केजरीवाल का ये आवास, और यहाँ पर तैयारियों की बात की जाए तो भारी सुरक्षा यहाँ पर तैनात की जाएगी कुछ समय के बाद। हालांकि पुलिसकर्मी यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहते हैं, लेकिन जिस तरह से 8 बजे जब काउंटिंग की शुरुआत होगी उसके बाद से ही तमाम जो कार्यकर्ता हैं या आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उनके आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल देर रात तक आपको बता दें कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर मौजूद रहे। यही वजह है कि अब यहाँ पर साफ सफाई का दौर इस वक्त शुरू है, क्योंकि पता है कि अभी कुछ समय के बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, कार्यकर्ता आने वाले हैं, क्योंकि कल से ही जश्न का माहौल आम आदमी पार्टी के अंदर खाने चल रहा है। और उप मुख्यमंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, वो आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर कि 15 साल का जो किला था उस किले को एग्जिट पोल जिस तरह से दिखा रहे हैं वो बीजेपी का ढह जाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर 2022 की बात की जाए तो अच्छी शुरुआत हुई है। पहले पंजाब इलेक्शन में बड़ी मात्रा में और बड़ी ताकत के साथ उन्होंने जीत हासिल की, तो दूसरी तरफ अब एमसीडी चुनाव में एक जीत उनको नज़र आ रही है। यही वजह है कि हाई सिक्योरिटी आज यहां पर रखी जाएगी, और इसके साथ साथ जब कार्यकर्ता और बड़े नेता यहां पर आने शुरू होंगे तो अरविंद केजरीवाल फिर यहां से अपने बड़े नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी दफ्तर भी जाएंगे। बस इंतज़ार है कि काउंटिंग की 8 बजे की शुरुआत हो और उसके बाद जिस तरह से रुझान आएंगे और आम आदमी पार्टी के पक्ष में रुझान आते हैं तो अरविंद केजरीवाल अपने बड़े नेताओं के साथ पार्टी दफ्तर जाएंगे और वहां पर जनता को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली की जनता को 5 साल के अपने कार्यकाल को बताएंगे कि आखिर 5 साल में क्या कुछ वो करने वाले हैं। जी बिल्कुल दीपक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।